बागपत के ढिकोली गांव में 1 लाख के इनामी ज्ञानेंद्र ढिकोली और शराब माफिया प्रवीण बब्बू के बीच गोलाबारी हुई, जिसमें 25,000 के इनामी प्रवीण उर्फ बब्बू ढिकोली की मौत हो गई। घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उन्हें मेरठ रेफर किया गया। गाँव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ये घटना थाना चांदी नगर क्षेत्र के ढिकोली गाँव में हुई है, जहाँ 1996 से प्रधानी चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है। दरअसल इस वारदात की जड़ें पुरानी रंजिश में है, जो कई सालों से दोनों पक्षों के बीच तनाव का कारण बनी हुई थी। देर रात इसी रंजिश को लेकर समझौते की बात चल रही थी और दोनों पक्षों के लोग बैठे थे, तभी समझौता का प्रयास विफल हो गया और गोलाबारी शुरू हो गई, जिसमें प्रवीण उर्फ बब्बू पर पहले बलकटी से हमला किया गया और लहूलुहान कर दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में गोलियां चली। प्रवीण यानी कि बब्बू समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई की हालत नाजुक बनी हुई है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नवीन है जी नाम। नवीन जी, मोर्चरी पाए हो, कहाँ से आए हो, क्या पूरा? ढिकोली का मामला है ये। बड़े भाई थे मेरे बब्बू चेयरमैन, वो रात पूर्व प्रधान के यहाँ गए थे। वो ज्ञानेंद्र पहले से ही वहाँ बैठा था, वो गोली वोली चली और दो लोग थे, ज्ञानेंद्र एक उसका साथी था जिसका नाम नहीं जानता मैं, और भाई की मौत हो गई, 5-6 लोग घायल हैं। किस बात का हुआ बात? ये पुरानी रंजिश थी, हमारे फैसले हो गए थे, फैसले होने के बाद ये विश्वास में लेके ये करा गया। लगभग कितनी पुरानी रंजिश चल रही है? लगभग रंजिश हमारी 96-97 से है। क्या क्या रंजिश थी? बस गांव की राजनीति, चुनावी रंजिश। इसमें बताई गई आधा एक दर्जन से ज्यादा मर्डर हुए हैं दोनों तरफ से। हाँ हाँ, लगभग इसमें हो गए होंगे 17-18 मर्डर बढ़ गए दोनों तरफ से। तो ये इनामी भी था? ये पहले 1 लाख का इनामी रहा है। अच्छा, बब्बू का भी मामला था, बताया कि इनका भी इनाम था। हाँ, इनाम नहीं रहा कभी भी, उस पर एक मामला था, उसे जेल भी गया था। पुलिस को जानकारी। इसमें आपने कार्रवाई कराई? हाँ, मैंने FIR करी। अच्छा, होगी। हाँ, किस किस के खिलाफ? मैं ज्ञानेंद्र और एक उसका साथी था, उसी के नाम कराई है। अवगत कराना है कि थाना चांदी नगर के गांव ढिकोली में कल सूचना प्राप्त हुई कि गांव का ही प्रवीण उर्फ बब्बू अपने साथी ज्ञानेंद्र और अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव में ही बैठ के शराब पी रहे थे। यहाँ पर प्रवीण उर्फ बब्बू की ज्ञानेंद्र के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और इसी विवाद में ज्ञानेंद्र ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से प्रवीण उर्फ बब्बू पे वार किया है। इसमें खरपाली का भी प्रयोग किया गया है इन लोग के द्वारा, जहां पे प्रवीण उर्फ बब्बू को जो है हॉस्पिटल ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना चांदी नगर तत्काल मौके पर पहुंचकर इसने शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवाया और इस प्रकरण पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।